सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिट करने वाले हैं, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। और मेरे भाई, आप सबको बहुत ही दिन से इंतज़ार था कि मेरे भाई प्रिंस भाई आप कब फ्री में कोलोबरेशन दे रहे हो। तो मेरे भाई, वो बारी आ चुकी है मेरे भाई, क्योंकि आप भी अपने फ़ोटो को कुछ इस तरीके से बनाइए और मेरे इंस्टाग्राम पर आप लोग कोलोबरेशन कीजिए। मैं आप सभी का कोलोबरेशन एक्सेप्ट करूँगा मेरे भाई। और मेरे भाई, अगर इस वीडियो पे 2K व्यूज आ जाता है मेरे भाई, आप सब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, अगर इस वीडियो पे 2K व्यूज आ जाता है मेरे भाई, तो मैं पर डे आप सबको फ्री में कोलोबरेशन दूंगा मेरे भाई। अगर इस टाइप की अगर इस टाइप की फ़ोटो आप लोग एडिट करेंगे तब, अगर नहीं करेंगे मेरे भाई, तो मैं फ्री में कोलोबरेशन नहीं दूंगा। क्योंकि मेरे भाई, जो मेरा है, मेरा वीडियो देख के अगर जो भी एडिट करता है इस टाइप की, उन सभी को फ्री में कोलोबरेशन दिया जाएगा मेरे भाई। तो जल्दी जल्दी से आप सभी भी इस टाइप की फ़ोटो बनाइए और फ्री में कोलोबरेशन लीजिए। और मेरे भाई, टारगेट है 2K व्यूज। अगर 2K व्यूज आ जाएगा मेरे भाई, तो आगे भी आप सभी को कोलोबरेशन दिया जाएगा। तो प्लीज़ यार, 2K व्यूज पहुँचा दीजिएगा, आप सबको फ्री में कोलोबरेशन दिया जाएगा। तो चलिए मेरे भाई, बिना किसी बकवास के इस वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मेरे भाई क्या करना है, अपने ओरिजिनल वाले फ़ोटो को ले लेना है। एंड ओरिजिनल वाले फ़ोटो को लेने के बाद मेरे भाई, लाइट रूम अप्लीकेशन में इसको इंपोर्ट कर देना है। तो देखिए मेरे भाई, आप 2-3 बार ट्राई कर लीजिए, क्योंकि अभी लाइट रूम में कुछ वर्क चल रहा है, उसकी वजह से एक बार में लाइट रूम अप्लीकेशन में शेयर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, फाइनली हम लाइट रूम अप्लीकेशन में अपने फ़ोटो को इंपोर्ट कर चुके हैं। इंपोर्ट होने के बाद यहाँ ऑल फ़ोटो के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड ऑल फ़ोटो के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, अपना ओरिजिनल फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। ओरिजिनल फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद मेरे भाई, यहाँ लाइट का ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ पे मैं आप सबको मार्क लगा देता हूँ। लाइट को ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा एक्सपोजर को बढ़ाना है, एंड हाईलाइट को कम करना है, एंड शेडो को बढ़ाना है, और वाइट बैलेंस और ब्लैक बैलेंस को इतना कम कर देना है। उसके बाद उसके जस्ट बगल में कलर्स का ऑप्शन होगा, कलर्स के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। एंड कलर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मिक्स के ऊपर क्लिक करना है, एंड ग्रीन कलर को सेचुरेशन पूरा कम कर देना है, एंड येलो कलर का भी सेचुरेशन पूरा कम कर देना है। उसके बाद सेकंड वाले कलर को सिलेक्ट करना है, एंड इसका सेचुरेशन कम करना है, एंड लुमिनस को थोड़ा सा बढ़ा देना है। मेरे भाई प्लीज़, आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए, आप सबको बताया जाएगा मेरे भाई कि उस टाइप का कलर बैकग्राउंड कैसे बनाना है मेरे भाई, और आप सभी को फ्री कोलोबरेशन दिया जाएगा मेरे भाई। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए। और आप सबको पता ही होगा मेरे भाई, वीडियो का टारगेट 2K है, तो प्लीज़ जल्दी से 2K टारगेट करा दीजिए, तो आप सबको मैं फ्री में कोलोबरेशन दूंगा मेरे भाई, और सभी को मेरे भाई दूंगा फ्री में कोलोबरेशन, ठीक है ना? आप लोग वीडियो देख कर और मेरे इंस्टाग्राम पर टैग कीजिए, मैं आप सभी को फ्री कोलोबरेशन दूंगा। तो सबसे पहले रेड कलर को सिलेक्ट करके इसका यू कम करना है, सेचुरेशन बढ़ाना है, लुमिनस को बढ़ा देना है। उसके बाद यहाँ से डन कर देना है मेरे भाई। डन इतना काम हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ इफेक्ट का ऑप्शन होगा, इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके इसका टेक्सचर और क्लियरिटी को दोनों इतना बढ़ा देना है। डन बढ़ा देने के बाद डिटेल के ऊपर क्लिक करना है, शार्पनेस के ऊपर क्लिक करके शार्पनेस को बढ़ाना है, एंड कलर नाइट्रोक्शन को और कलर नाइट्रोक्शन को थोड़ा थोड़ा बढ़ा के, और इन दोनों को भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा के इतना पे रख देना है। उसके बाद मेरे भाई, अब आपको बिफोर एंड आफ्टर देख लेना है, पहले और अब में कितना ज़्यादा फर्क आ गया है। डन इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, इस फोटो को डायरेक्ट यहाँ से इम्पोर्ट करना है। कहाँ पर? तो पिक्सआर्ट अप्लीकेशन में। तो चलिए मेरे भाई, फटाफट से क्या करते हैं, पिक्सआर्ट अप्लीकेशन में इस फोटो को ओपन कर लेते हैं। एंड ओपन हो जाने के बाद मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, यहाँ टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद स्विच के ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा अपने बाल को बड़ा कर लीजिएगा, देख लीजिए जैसे कि मैं कर ले रहा हूँ। थोड़ा सा आप अपने बाल को बड़ा करके यहाँ से डन कर दीजिएगा। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखिएगा स्टिकर का ऑप्शन होगा, स्टिकर के ऊपर आपको क्लिक करना है। एंड स्टिकर के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है क्या, ब्लड, BLOOD, ठीक है ना? ब्लड सर्च कर लेने के बाद मेरे भाई, उसके बाद यहाँ एक फर्स्ट वाला जो होगा ब्लड, इसको हम पहले लेंगे। ले लेने के बाद इसको हम पहले यहाँ से अच्छे तरीके से ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद इरेज के ऊपर क्लिक करके अच्छे तरीके से इरेज कर देंगे, बाकी सब जो पार्ट होगा उसको हम इरेज कर लेंगे।
और छोड़ देंगे, ठीक है ना। यहाँ से और सब इरेज कर देने के बाद मेरे भाई यहाँ से डन कर देना है। उसके बाद फिर से प्लस के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ स्टिकर के ऊपर क्लिक करना है। एंड स्टिकर के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, तो यहाँ से इस वाले पीएनजी को ले लेना है। अब मतलब जो भी आपको बेस्ट लगे, इस वाले पीएनजी को मैं ले लिया। उसके बाद यहाँ से ऐसे करके अच्छे तरीके से एडजस्ट करके इसको भी हम अच्छे तरीके से मतलब इरेज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा अच्छे तरीके से इरेज हो चुका है मेरे भाई। उसके बाद यहाँ सही के निशान पर क्लिक करेंगे, इसको डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद एक और डुप्लीकेट करेंगे। एंड उसके बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, इसको मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आपको ऐसे कर देना है और इसको आपको ऐसे कर देना है। इससे क्या होगा, हमारा पी बन जाएगा मेरे भाई। देख लीजिए पी बन गया। उसके बाद यहाँ से इसको भी हम अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद मेरे भाई अब सॉरी, उसके बाद इसको छोटा करना है और इसको अच्छे तरीके से, सॉरी यार थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है मेरे भाई, तो कोई बात नहीं, इसको हम पहले यहाँ से अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एडजस्ट हो जाने के बाद मेरे भाई यहाँ से सही के निशान के ऊपर क्लिक करके सही कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भाई फिर से क्या करना है, वहीं सेम टू सेम काम करना है मेरे भाई। अब आपको क्या करना है, एक और पीएनजी जो होगा मेरे भाई, ये सारे पीएनजी टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएगा मेरे भाई, तो आप लोग जाकर वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। एक और ये पीएनजी रहा, इसको भी आप लोग डाउनलोड करके यहाँ पे रख दीजिएगा। उसके बाद एक और जो पीएनजी है इसको आप ले लीजिएगा, डील का पीएनजी जो होगा मेरे भाई, इसको लेकर अच्छे तरीके से यहाँ पे रख दीजिएगा। उसको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव कम करके यहाँ से डन कर दीजिएगा। डन, इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, तो एक और जो पीएनजी होगा उसको भी लगाना है, तो मैं लगा देता हूँ। मान के चलिए ये हमारा पीएनजी रहा, तो इसको खून का आंसू गिराना है मेरे भाई। तो यहाँ से आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से एडजस्ट करके इरेज के ऊपर क्लिक करके बाकी जो पार्ट होगा उसको आप इरेज कर दीजिएगा। देख लीजिए यहाँ से आप इजिली इरेज कर सकते हैं। उसके बाद इतना काम हो जाने के बाद इसको डुप्लीकेट कीजिएगा ऊपर के साइड से। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ से एक और लगा लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से डन कर दीजिएगा। डन, इतना काम कर लेने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना होगा, इस फोटो को डायरेक्ट यहाँ से सेव करना होगा। तो सेव करने के लिए सबसे पहले यहाँ ड्रा वाले ऑप्शन पर आ जाइएगा। ड्रा वाले ऑप्शन पर आ जाने के बाद मेरे भाई यहाँ थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना और यहाँ सेव कर देना है। देखिए सेव हो जाने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, बैक आना है और देख लीजिए मेरे भाई इस टाइप की बैकग्राउंड हम बनाएंगे, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिए और जो भी इस टाइप की बैकग्राउंड बनाएगा मेरे भाई और इस टाइप के जो पीएनजी मेरा है, ये सारा पीएनजी जो भी लगाएगा उन सबको मैं मेरे भाई मैं फ्री में कोलैबोरेशन दूंगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए मेरे भाई। अगर आप लोग इन तक बनेंगे तभी पता चलेगा इस टाइप की बैकग्राउंड कैसे बनेगा। सबसे पहले मेरे भाई क्या करना है, इस फोटो को डायरेक्ट शेयर कर देना है कहाँ पे, तो लाइटरूम एप्लीकेशन में। देखिए यहाँ पे लाइटरूम एप्लीकेशन में आ जाने के बाद बैक आना है। बैक आने के बाद इस वाले प्रीसेट को ले लेना है मेरे भाई। इस वाले प्रीसेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर वहाँ से इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ कॉपी सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक करना होगा एंड सही के निशान पर क्लिक करके बैक आना है। और फिर से क्या करना है, अभी जो अपने फ़ोटो को पिक्सेट एप्लीकेशन से शेयर किए थे इस वाले फ़ोटो पे आपको अप्लाई कर लेना है। तो उस टाइप की फेस पे तो टून आ जाएगी मेरे भाई, लेकिन अभी बैकग्राउंड में उस टाइप की कलर ग्रेडिंग नहीं आई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस फोटो को यहाँ से शेयर करेंगे स्नैपचैट एप्लीकेशन में। तो चलिए मेरे भाई मैं फटाफट से क्या करता हूँ, शेयर कर देता हूँ। स्नैपचैट एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ टूल्स के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। इन टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कवर्स का ऑप्शन होगा। कवर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा ब्लू कलर को सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा ऊपर के साइड घींच के डन कर देना है। उसके बाद ऊपर के साइड शेयर के बगल में जो होगा व्यू एडिट के ऊपर आपको क्लिक करना है। एंड व्यू एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई यहाँ पर क्लिक करना और फिर से कवर्स के ऊपर क्लिक करना और बीच वाले ब्रश के ऊपर क्लिक करके एक साइड अपने कपड़े के ऊपर कलर कर लेना है। मेरे भाई याद रखिएगा, एक साइड आपको कलर करना है, दो साइड मत कीजिएगा मेरे भाई, वरना मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगा, मतलब आप सबको कोलैबोरेशन नहीं दे पाऊँगा। तो प्लीज़ आप लोग ये सब बात को ध्यान रखिएगा।
एक साइड ही कीजिएगा अपने कपड़े का कलर। अगर आपका टी शर्ट होगा मेरे भाई तो आप दोनों बगल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मिल जाएगा आपको। अगर शर्ट होगा तो आप एक ही बगल कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से मैं कर देता हूँ, आप भी मेरे भाई अच्छे तरीके से अपने शर्ट के ऊपर कलर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए फाइनली हमारा हो चुका है शर्ट के ऊपर कलर, उसके बाद यहाँ से डन कर देंगे। अब बारी आती है कि उस टाइप की बैकग्राउंड कैसे बनाएं। तो उस टाइप की बैकग्राउंड बनाने के लिए मेरे भाई सबसे पहले क्या करना है, इस फोटो को डायरेक्ट यहाँ से फोटो रूम एप्लीकेशन में शेयर कर देना है। फोटो रूम एप्लीकेशन में जैसे ही शेयर करेंगे कुछ इस टाइप से लोडिंग लेगा मेरे भाई। लोडिंग लेने के बाद ऑटोमेटिक कटआउट कर देगा। कटआउट कर देने के बाद मेरे भाई आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्क्रॉल करके जाना है मेरे भाई, क्योंकि मेन खेला यहीं पर है। यहाँ से स्क्रॉल करके जाना और यहाँ पर देखिएगा आपको एक ब्लर का ऑप्शन दिख रहा होगा। देखिए अभी हमारा लोडिंग ले रहा है तो थोड़ा बहुत इसको लोडिंग ले लेने देते हैं मेरे भाई। उसके बाद यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे ब्लर के ऊपर। ब्लर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद अब आपको क्या करना होगा, यहाँ देखिएगा ब्लर का ऑप्शन होगा, ब्लर के ऊपर क्लिक करके यहाँ सेकेंड वाले ब्लर को सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा इतना बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा एडजस्ट का ऑप्शन होगा, एडजस्ट के ऊपर क्लिक करके इसका सेचुरेशन को बढ़ा दीजिएगा इतना पे, देख लीजिए तो ऑटोमेटिक कुछ इस टाइप से हमारे कलर ग्रेडिंग हो जाएगा। उसके बाद कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, उसके बाद ह्यू को थोड़ा बहुत छेड़छाड़ आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा कुछ इस टाइप से कलर ग्रेडिंग हो जाएगा। आप 18% नीचे ह्यू को रख लीजिएगा मेरे भाई। उसके बाद इस फोटो को क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ से शेयर करना है कहाँ पे, तो यहाँ से अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में शेयर कर देना है। ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में आ जाने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर के साइड क्लिक करना है। ऊपर के साइड क्लिक करने के बाद इस वाले ब्रश को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, एंड इस वाले ब्रश को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए सेटिंग होगा ऊपर के साइड में, आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक करना होगा। सेटिंग के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ देखिए फॉलो को 3 रखना होगा एंड स्ट्रेंज को 14% रखना होगा। उसके बाद यहाँ से डन कर देना है। उसके बाद क्या करना है, अपने फेस के ऊपर अच्छे तरीके से इसको अप्लाई करना है। जैसे कि देख लीजिए मेरे भाई मैं अपने फेस के ऊपर कितने अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैं कर रहा हूँ मेरे भाई सेम टू सेम आपको भी करना होगा अपने फेस के ऊपर अप्लाई। यहाँ पर देख लीजिए, देख लीजिए मेरे भाई कितने अच्छे तरीके से हमारा फेस स्मूथ होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप भी अपने फेस को कुछ इस तरीके से स्मूथ कर लीजिएगा मेरे भाई। और मेरे भाई इस वीडियो में फुल स्मूथ करके नहीं दिखाऊंगा मेरे भाई, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप सबको समझने में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, एंड वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं न्यू एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।